हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं कौन कौन से मटेरियल यूज़ करती हूँ और मैं जहाँ से सब कुछ परचेस करती हूँ वहाँ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपको चाहिए होगा फैब्रिक। मैं केसमेंट का फैब्रिक यूज़ करती हूँ, ये वाला केसमेंट फैब्रिक जो मैं ऑर्डर बनाती हूँ उसके लिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये मार्किन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। मार्किन फैब्रिक में प्राइस भी कम पड़ेगा इसका और इस पर आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। जैसे कि मैंने ये वाला गणेश जी बनाया है मार्किन फैब्रिक में, आप देख सकते हो। या फिर कोई भी कॉटन फैब्रिक जिसमें एम्ब्रॉयडरी करना इजी रहे वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है, पॉपलिन का फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी फैब्रिक जो आपके पास यूज है वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं ये वाला नीडल यूज़ करती हूँ, ये आपको कोई भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा, लोकल शॉप से मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम के कोई भी पेज से, अमेजोन से, कहीं से भी परचेज कर सकते हो। सीज़र चाहिए होगा, नॉर्मल एक सीज़र ले लेना। और एम्ब्रॉयडरी हुप्स के लिए वुडन हुप्स आता है ऐसे, ये 8 इंच साइज़ का है, ये 10 इंच साइज़ का वुडन हुप है। वुडन हुप भी ले सकते हो आप, या फिर आप ऐसे मार्केट में प्लास्टिक के हुप्स भी आते हैं वो भी ले सकते हो। मैंने ये बहुत पहले एक बनाया था हुप, शुरू में तब मैंने ये प्लास्टिक के हुप यूज़ करके बनाए थे। तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो लेके आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो ये सब। हुप्स में ड्राइंग करने के लिए मैं ये पेन यूज़ करती हूँ, नॉर्मल ब्लैक पेन मैं यूज़ करती हूँ। कोई भी नॉर्मल ब्लैक पेन से आप ड्रॉ कर सकते हो। और लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप हीट इरेजेबल पेन यूज़ करो ताकि कोई भी गलती हो तो वो आप इरेज कर पाओ, वरना आप इरेज नहीं कर पाओगे नॉर्मल पेन यूज़ करोगे तो। अगर आपको नॉर्मली ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो पहले आप एक पेपर में ड्रॉ कर लो, फिर क्लॉथ के ऊपर पेपर रख के कार्बन पेपर से ट्रेस करके बना सकते हो। इससे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, आप पहले ही ड्रॉ कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि हुप में अगर ड्राइंग अच्छा बनेगा तो हुप का जो फाइनल लुक है वो भी अच्छा आएगा। अभी थ्रेड के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सब थ्रेड, जो कि एंकर थ्रेड है, डोली थ्रेड, रंगोली थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड है मेरे पास, और भी बहुत सारा थ्रेड है। तो आप बहुत सारे कलर के मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो मैं यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हो। और ये सब थ्रेड आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, और मैं जहाँ से परचेज करती हूँ वहाँ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। मैं जो ड्रेस बनाती हूँ, जैसे ब्राइट की लहंगे के लिए मैं ये नॉर्मल नेट का रेड नेट फैब्रिक यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं, ये भी एक फैब्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। या फिर कोई भी कलर, नेट का कोई भी कलर ले लेती हूँ। सैटिन फैब्रिक भी है मेरे पास, इनमें से कोई भी जो मुझे ठीक लगता है वो मैं यूज़ करती हूँ। साथ ही में मैं लहंगे के लिए ये सब लेस भी मैंने मंगवाया है, साथ ही में मैंने ये सब लेस यूज़ करके लहंगा बनाती हूँ। गोल्डन लेस, ये सब आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी आराम से मिल जाएगा। कलर के लिए मैं ये वाला कलर बॉक्स यूज़ करती हूँ कैमल का, आप जो 12 कलर का आता है बॉक्स वो यूज़ कर सकते हो। देखिए मेरा कलर ख़त्म भी हो गया बहुत सारा। बॉर्डर के साइड में मैं ये सब पर्ल, हाफ पर्ल यूज़ करती हूँ, ये मैंने लोकल शॉप से परचेस किया है। हुप के ऊपर मैं यहाँ पे जो रिबन टाई करते हैं इसके लिए मैंने ऐसे नॉर्मल बहुत से कलर का रिबन ले लिया है, और इससे मैं रिबन बना लेती हूँ आराम से। शुरू में आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, आप नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक हुप या फिर कोई भी ऐसे 8 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 12 इंच, कोई भी साइज़ जो आपके हिसाब से, कोई भी साइज़ का हुप ले लीजिए। साथ में कोई भी जो सस्ता पड़ता है कॉटन फैब्रिक, मार्किन फैब्रिक, कोई भी ले लीजिए और शुरू में स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया ये इस वीडियो में। अगर मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगी। थैंक यू।